थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने इतना बढ़िया जोरदार मेरा स्वागत किया। मैं भविष्य और भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे लाख गुना वेलकम भविष्य में आपके लिए होना चाहिए। हर इंसान सोचता है सेल्फ शॉप के अंदर,
यानी मुझे याद है कि जब शुरू में मुझे 1.5 साल हुए थे, कितने साल हुए थे? 1 साल। शुरू के 7 महीने तक मेरा पहला चेक बना नहीं, कितना? 1000 का चेक बना नहीं, शुरू के 7 महीने तक। कितने महीने तक? 7 महीने। और शुरू के 1.5 साल तक जो टीम बनी थी मात्र 20 या 25 लोग की बनी थी। और काफी बार के अंदर आसपास से मेरे भी मन के अंदर विचार आया गया, पता नहीं किस चक्रों में फंस गए, पता नहीं इसमें कुछ होगा नहीं होगा, अपनी पढ़ाई लिखाई भी जाएगी और नौकरी भी जाएगी, कई बार विचार आया। लेकिन अपलाइन ने लगातार पॉजिटिव किया, लगातार विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, आज तेरे साथ 1.5 साल के अंदर 20 आदमी जुड़े। लेकिन एक दिन लगातार तो चलेगा इस काम को पकड़ के, तो एक दिन गारंटी मेरी बात की, तेरे पीछे लाइन भी लगेगी। ये सुनो, लास्ट के 3 महीने के अंदर मेरे साथ 900 आदमी ज्वाइन हुए। कितने आदमी? 900। लास्ट के 1 वीक के अंदर मेरे साथ 125 आदमी ज्वाइन हुए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरे साथ हो सकता है तो क्या आपके साथ भी हो सकता है क्या? मेरे साथ इसलिए हुआ है कि जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ रणजीत सर ने जब से ज्वाइन करवाया है, आज तक मैंने जिंदगी में कोई सी भी मीटिंग छोड़ी नहीं। ये सर हूँ एक लास्ट में छोटी सी स्टोरी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और सर को मैं भी बुलाता हूँ। ये सर हूँ एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, थाईलैंड की फिल्म की बता रहे सर, तो आपने मुझे बताओ थाईलैंड में मैंने आपके लिए वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे, बढ़िया लगी नहीं लगी? समुद्र के अंदर नहाते हुए, पैरासेलिंग के अंदर कम से कम 60-70 मंजिल के ऊपर उड़ान करते हुए, नीचे समुद्र के अंदर जाते हुए, जहाज के ऊपर डिनर करते हुए, हैं तो मजे आए होंगे नहीं आए होंगे? वीडियो में आए नहीं आए? मुझे तो सबसे ज्यादा मजे आ रहे हैं। अब बताओ जब आपको वीडियो देखने में इतने ज्यादा मजे आ रहे हैं तो आपसे रियल पूछना चाहता हूँ, वहां पर जाने के बाद आपको कितने मजे आने वाले हैं? अब बताओ देखने से होगा क्या? सर बता रहे फिलिंग बताओ, फिलिंग को मैं जानता हूँ कि अंदर आपको से क्या फिलिंग मिली होगी वहाँ पे। सर अगर आपको मान लो गुलाब जामुन पसंद है, क्या पसंद है? गुलाब जामुन। देखने से मजा आया है, खाने से मजा आया, खाने से आएगा ना? ऐसा थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई करोगे ना तब भी आपको रियल में मजा आएगा कि जिंदगी क्या होती है। पहले मैं पहले की बातें मैं बताता हूँ, यानी घूमता मैं पहले भी था, पहले मैं घूमता था अपनी गलियों के अंदर, कहाँ पर? मेरे घर वालों से पूछ लेना आप भी, मेरे घर वाले दादाजी परिवार वाले सब एक बात बोलते हैं, इसका एक ही काम है गली में घूमना, क्या काम है? और आज भी घूमता हूँ मैं, सेप्सो की वजह से बताओ विदेश के अंदर घूम रहा हूँ, थाईलैंड घूम गया। आज भी आप मेरे फोन में कभी चल जाना और फिर पूछ लेना कि ये लड़का था पहले क्या करता था, उसका एक ही काम था गली में अंदर घूमना, क्या काम था? कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में, और आता सेब सो में जिंदगी बदलती। बताओ जो इंसान गली के अंदर घूमता था वो थाईलैंड घूम के आया, गोवा घूम के आया, और 22 तारीख को बताओ जिसका 2 लाख का खर्चा होता है रशिया घूमने के लिए जा रहा है। आपको सुना दो वो स्टोरी, मैंने सुनी थी तो मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी बहुत कुछ छुपा हुआ है। ऐसा वो स्टोरी क्या है देखो, यानी आप काफी लोग हमेशा आपने जो बताया कि काफी लोग बताएंगे नहीं, लेकिन हर साल नेगेटिव होता है अपने अंदर से कि पता नहीं मेरे साथ होगा नहीं होगा, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, लगातार चलता रहेगा तो एक दिन तेरे साथ जरूर होगा। तो आपने हमेशा सांप और नेवले की लड़ाई देखी नहीं? देखी सांप और नेवले लड़ाई करते हैं, तो क्या होता है कि नेवला जब उससे लड़ाई करता है तो एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, क्या रखता है? नागवती जड़ी बूटी होती है। तो उन दोनों की लड़ाई वहां पर होती है जहां पर जड़ी बूटी होती है। तो जैसे पहले नेवला सांप से लड़ाई करता है, तो नेवला सांप से लड़ाई करने के लिए जाता है, तो सांप क्या करता है कि पहले उसको डस के घायल कर देता है, लेकिन नेवला फिर क्या करता है उस जड़ी बूटी के पास जाता है, उसको सूंघता है, फिर उसके अंदर एनर्जी आती है, फिर वो लड़ाई करने के लिए जाता है। दोबारा नेवला लड़ाई करने के लिए जाता है तो फिर सांप उसको घायल कर देता है, फिर वो जड़ी बूटी को सूंघता है, और फिर एकदम हिम्मत करके दोबारा लड़ने के लिए जाता है। जैसा हम तीसरी बार भी ये होता है और चौथी बार भी ये होता है, लेकिन लास्ट में एक चीज आप देखोगे कि लास्ट में नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, कर देता नहीं कर देता है। मुझे पता है आपके साथ भी, मुझे पता आपके साथ भी ये हो रहा है, आप कभी घर वाले मना कर रहे हैं, कभी कोई कंपनी वाले ऑफर लेके आते हैं, कभी आपको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ होगा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए एक ही जड़ी बूटी है। बताऊं? Yes. Yes. लगातार फ्राइडे की ट्रेनिंग में आते रहना, नेगेटिव हो गए तो एनर्जी मिलेगी, लगातार दिशा में आते रहना, लगातार बीडीएस फंक्शन में आते रहना, लगातार फंक्शन में आते रहना, पता नहीं चलेगा कि 2-3 साल
सामने में आपकी 10,000 की टीम बन जाएगी।